फ्रेंड्स, मैंने आज एक खबर पढ़ी है जिसको आपको क्विकली शेयर कर देना चाहता हूँ। आईआईटी की काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो नीट से इतना ज़्यादा कुछ रिलेटेड नहीं है, पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। एक स्टूडेंट है सिद्धांत बत्रा, 18 अक्टूबर को इसको कॉलेज अलॉट हो गया आईआईटी बॉम्बे। 270 रैंक थी, बहुत अच्छी रैंक है जेईई एडवांस के अंदर। और उसके बाद 30 अक्टूबर को ये अपने एप्लीकेशन फॉर्म या जो काउंसलिंग का पोर्टल होता है उसमें घूम रहा था, रोल नंबर वगैरह देख रहा था, और उसने एक बटन देखा विड्रॉ का, ठीक है, विड्रॉ फ्रॉम फर्दर राउंड्स या इस तरह का कुछ बटन था। इसने क्लिक किया, इसे वापस पूछा आर यू श्योर, इसने क्लिक कर दिया, और उस बटन का मतलब यह था कि उसने अपनी सीट विड्रॉ कर ली है, फोरफीट कर दिया, ठीक है। जब फाइनल लिस्ट आई तो उसे पता चला कि उसका नाम उसमें नहीं है, उसे समझ में आया कि उसने विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील किया, बॉम्बे हाईकोर्ट, ये खबर है, देखिए है ना, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आगरा से है ये, अक्टूबर 18 को इनको मिल गया था यहाँ पे लिखा हुआ है, और 19 नवंबर को इन्होंने 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने कहा आईटी से कि इसे देखिए, 23 नवंबर को आईटी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब क्या है, चीज़ इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से हो जाती है कि जब एक स्टूडेंट सीट छोड़ देता है तो किसी और स्टूडेंट को सीट मिलती है, और पूरे सिस्टम के अंदर रिपल इफेक्ट होता है यदि आईआईटी से चेंज करता है। पर इट इज़ एन एब्सोल्युटली ट्रैजिक सिचुएशन। तो इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है, इंस्टीट्यूशन सेड इट डिड नॉट हैव अ वेकेंट सीट एंड दैट बत्रा कुड अप्लाई नेक्स्ट ईयर। और थैंकफुली इसमें एक अच्छी चीज़ ये है, ये आप पढ़िए, तो अभी भी दुनिया में थोड़ी हमदर्दी बाकी है। और इसके अंदर अब एक पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि सिद्धांत ने डिसाइड किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि एक एडिशनल सीट आईआईटी बॉम्बे में दे दी जाए, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जहाँ पे एलोकेशन हुआ था। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक एडिशनल सीट, बड़े बड़े लेक्चर थिएटर होते हैं आईआईटीज में, एक एडिशनल सीट से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इसे यदि वापस एग्ज़ाम लिखना पड़ा तो ये थोड़ा मॉन्यूमेंटल ट्रेजेडी होगा, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि सिद्धांत की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो, एक एडिशनल सीट, एक सारी सारा मुद्दा यह है कि यदि सिद्धांत को एलोकेट कर दिया तो किसी को जो एलोकेट हुआ है और घर में आसपास मोहल्ले में लड्डू बट गए होंगे कि आईआईटी में नहीं मिल रहा था, मिल गया है, अब उनको यदि वापस बताया जाए कि आपको नहीं मिला है तो उस फैमिली में भी थोड़ा हाहाकार मचेगा। तो सिद्धांत ने सही काम किया है, ही इज़ गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट एंड ही सेइंग कि एक एडिशनल सीट उसे डिपार्टमेंट में डाल दीजिए, और इवन एक साल के लिए भी डाली जा सकती है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि यदि डिपार्टमेंट में 70 या 90 सीटें उसकी जगह 91 हो जाए तो शायद ये चीज़ वर्कआउट हो जाए। पर मैं आप लोग को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से इस चीज़ की समरी ये है, ठीक है, मेरे हिसाब से इस चीज़ की समरी ये है, काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर बी केयरफुल, ठीक है। आप देखिए, एक पूरा सिस्टम है ना इस प्रोसेस को इनेबल करने की कोशिश कर रहा है, और जब ऐसी चीज होती है तो सिस्टम पुशबैक करेगा, उसके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि जब एक जने का नुकसान होता है तो किसी और को वो सीट मिल जाती है, ठीक है, और सबके लिए ये वाली सीट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनमें घुसना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। आईआईटी ने अपने रिप्लाई में लिखा कि इस साल सीट नहीं मिल सकती, सिद्धांत वापस तैयारी कर सकते हैं अगले साल के लिए, पर ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, ठीक है, थीके? तो आप केयरफुल रहिए। neetprep.com पे एक हमारे साथ चैलेंज ये रहा है कि हम लोग काउंसलिंग के अंदर उतना एक्सपर्टीज अभी तक नहीं बिल्ड कर पाए हैं कि आप लोग को काउंसलिंग के अंदर भी सपोर्ट दे पाए। कोशिश करेंगे कि 2021 में हम काउंसलिंग के लिए भी आपके लिए सपोर्ट बिल्ड कर पाएँ, पर अभी नहीं है। तो आप जब काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो केयरफुल रहिए। नीट की भी अभी काउंसलिंग चल रही है, स्टेट काउंसलिंग चल रही है, सेकेंड राउंड के तो सारे सबमिशन हो गए हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के, जो स्टेट काउंसलिंग चल रही है, मेरी समरी ये है इस सारे इंसिडेंट से, केयरफुल रहिए। और इस वाले वीडियो के थ्रू मैं इस चीज़ की भी अवेयरनेस देना चाहता था, होपफुली सिद्धांत जो रिक्वेस्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से वो एक्सेप्ट हो और उनको वापस
एक साल और तैयारी ना करनी पड़े। तो बच्चों थोड़ा केयरफुल रहिएगा और होप करिए कि सिद्धांत की जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है बच्चों।